दोस्तों, हर एग्ज़ाम का अपना अलग सिलेबस होता है, अलग पैटर्न होता है। एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, और इसी सिलेबस और पैटर्न के साथ तैयारी कैसे करना है ताकि एग्ज़ाम में हमको 90+ नंबर आए, यही गुड़ जो है इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे मार्गदर्शन में एसएससी जीडी की सिर्फ तैयारी अच्छे से कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं गौरव कुमार। दोस्तों, एसएससी जीडी की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि इस बार जो 2018 में जो लड़के एग्जाम दिए हैं, ठीक है, या मतलब कि जो हमेशा से देते आए हैं, उन लोगों में कट ऑफ की कितना ज़्यादा मतलब कि टेंशन रहती है, कट ऑफ कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि आप एग्ज़ाम दे करके, कोई भी एग्जाम, एसएससी जीडी नहीं, कोई भी एग्ज़ाम दे करके आए, वहाँ पर घर आने के बाद हर कोई, मेरा भी आदत है, सभी का आदत होता है कि उसको मिलाने का कि मेरा कितना सही हुआ, कितना क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन सही करके आए हैं। तो मिलाने के बाद अगर आपको पता चले कि मेरा 90 से 95 के बीच में एकदम एक्यूरेट सही है, तो आप अपने मन से बताइए, क्या आपको फिर कभी कट ऑफ का टेंशन होगा, चिंता होगा कि कट ऑफ कितना हाई होगा लो होगा, आप कभी सोचेंगे इसके बारे में? नहीं सोचेंगे ना। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इसमें आपको कैसे तैयारी करना है, नए और पुराने मतलब कि जो सेकेंड बार भी दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी, और जो पहली बार एसएससी जेडी के एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी। ठीक है, देखिए, जो पुराने लोग हैं यानी कि जो सेकेंड बार दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको तो समझ में, अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने क्या क्या गलती किया था और कहाँ सुधार की जरूरत थी, क्या तैयारी की कमी रह गई थी और क्या तैयारी करना है। ठीक है, और जो नए वाले हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नए और पुराने दोनों दोनों लोगों के लिए आप क्या करेंगे, अभी सिर्फ दो बुक लेंगे। ठीक है, एक स्पार्क का प्रैक्टिस वर्कबुक और दूसरा जो है इसका रेलवे का जो स्पीडी आता है साइंस का वो। ठीक है, सिर्फ दो बुक, पहले उसका रिटेन में कैसे बढ़िया नंबर लाएंगे इसके बाद में, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि आपका रूटीन थोड़ा सा कैसे, थोड़ा सा आपको जो है ना डिसिप्लिन में जब चेंजिंग कीजिएगा किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, थोड़ा सा अपने अंदर में ना डिसिप्लिन लाना पड़ता है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन में आज से ही चेंज कीजिए, थोड़ा सा आसकत को निगलेक्ट करते हुए सुबह में 4 बजे उठने का आदत, 10 बजे सो जाइए, 10:30 बजे तक लेटेस्ट सो जाइए। ठीक है, उसको 4 बजे उठने के बाद पूरा एक्सरसाइज मतलब कि जो भी कम से कम हम जो वीडियो में बताए थे हाइट कैसे बढ़ाना है, ठीक है, हालांकि उसमें वही पूरा एक्सरसाइज है, उतना ही अगर आप करते रहेंगे, एक रनिंग छूट गया, रनिंग नहीं बताया उसमें, लेकिन जो एक्सरसाइज उसमें बताया है ना पिछले वीडियो में, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्या करना है कि वो सारे एक्सरसाइज करना है, रनिंग करना है हल्का, 1 घंटा रोज जो है आपको व्यायाम करना है। उसके बाद आकर के नाश्ता उस्ता अपना कर करके, ठीक है, अपना जो भी काम है वो सब खत्म करके रोज आपको सिर्फ 3 घंटा पढ़ाई करना है। अभी फिलहाल 3 घंटा से शुरुआत करना है। धीरे 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 आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हाँ, उस ग्रुप में जुड़ने के बाद ये कोई मत पूछना कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, ये कितना होगा, अब तो वैसे भी कुछ लड़के पूछते नहीं, अब तो खत्म है मामला। ठीक है, जो अब तैयारी करने वाले सिर्फ वही लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और ठीक है, उसमें मतलब समय समय पर जो मतलब कि छोटी छोटी बात होती है तो उसके लिए तो मैं वीडियो नहीं बना सकता, वो उस ग्रुप में ही इन्फॉर्म कर देता हूँ, तो इसीलिए आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ताकि हम उसमें इन्फॉर्मेशन देते रहें और चैनल पर भी सब्सक्राइब करके रखें, ताकि तो आप ग्रुप में रहेंगे तो वहीं पर भी जो है लिंक मिल जाएगा। चलिए, अब करना है क्या, वो जो दो बुक आप अगर लिए, लेने के बाद क्या करना है, 3 घंटा हम बोले ना, 3 घंटा में क्या करना है, 2 घंटा रोज प्रैक्टिस सेट पर देना है। ठीक है, स्पार्क का जो आगे फिर बताएंगे, स्पार्क खत्म होने के बाद फिर दूसरा हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ आपको स्पार्क और ये लेना है। तो स्पार्क का 2 घंटा का सेट होता है, उसको रोज एक सेट बनाना है, ज्यादा कुछ नहीं। आप देखिए इतना इजी वे में आप इसको तैयारी करके निकाल लीजिएगा, मतलब मेरा विश्वास है, ठीक है, कि आप 90+ नंबर लाइएगा, 100% मेरा विश्वास है। क्या करना है कि रोज एक प्रैक्टिस सेट बनाना है स्पार्क का, हाँ, उसमें बनाने के बाद मतलब कि रीचेक करेंगे, चेक करने के बाद कि कितना सही हुआ, मान लीजिए कि मतलब कि 100 में आपका 40 सही हुआ चाहे 50 सही हुआ, 50 क्वेश्चन गलत हुआ, तो इस 50 क्वेश्चन को टाइम देना है
ठीक है, कि मतलब कि कैसे सही गलत हुआ, इसमें क्या होगा, इसमें कैसे होता उसको, क्योंकि इस बार का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके पीछे जो है आंसर के बाद आपको उसका व्याख्या सहित बताया रहता है, तो उसको थोड़ा सा गौर करना है, पढ़ना है हल्का सा, ठीक है, उस पर देना है 50 क्वेश्चन को एक बार, जो गलत हुआ है उसको एक नज़र से देखना है। अब दूसरा आता है शाम को जब नाइट में आप पढ़ने बैठते हैं, ऐसे ही पढ़ना है, ये नहीं कि लगातार बैठ के 10 घंटा, ऐसे नहीं पढ़ना है, सिर्फ 3 घंटा पढ़ना है, ठीक है, ये 2 घंटा आपका सेट में चला जाएगा, चाहे 2 से 2.5 घंटा चला जाएगा, लेकिन 1 घंटा जो है ना नाइट में सोने से पहले, जब आप शाम को जब पढ़ाई करते हो उस समय 1 घंटा जो है आप इसको देखेंगे, जो एसपीडी है उसमें का एक पेज पहले पेज से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, हम 10 क्वेश्चन ही याद करेंगे, ज़्यादा रटने का जरूरत नहीं है कि हाँ 10 क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे, ध्यान से उसको पढ़ेंगे, एकदम माइंड जो है ना एकदम फ्रेश करके 10 क्वेश्चन को पढ़ाई करना है, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट डे पढ़ने बैठेंगे तो इस 10 क्वेश्चन को पहले रिवाइज करेंगे कि हाँ याद है कि नहीं, खुद से उसको ढक करके अपना याद करने का कोशिश करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन उसके आगे याद करना है, ठीक है, धीरे 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 करके फिर उसमें क्वेश्चन के संख्या में बढ़ोतरी करते जाना है, ठीक है, आपको रटना नहीं है, बस एक नज़र उसको अच्छा से ध्यान से पढ़ना है, रटना नहीं है, ठीक है, सिर्फ अभी फिलहाल इतना कीजिए, अभी सिर्फ इतना कीजिए, उसके बाद जो मतलब कि आपका हिंदी का और इंग्लिश का जो लैंग्वेज बचता है कि इसको कैसे पढ़ना है, तो जो मतलब कि आप अपने चॉइस से लेंगे तो आपको जो इजी लगेगा तो वही लेंगे, तो आपको मतलब जो हिंदी भाषी यूपी बिहार या इन सब क्षेत्रों के जो लोग हैं तो वो तो हिंदी ही सिलेक्ट करेंगे, अन्य अदर जो है वो इंग्लिश, यानी कि जिनको जो सब्जेक्ट आसान लगेगा वो वही सिलेक्ट करेगा, तो इसका जो तैयारी है हिंदी का या इंग्लिश का, तो एग्जाम से पहले 1 महीना पहले भी आप इसकी तैयारी करेंगे, हम आपको बताएंगे उसके लिए भी एक अलग बुक, ठीक है, तो उसको 1 महीना पढ़ के आप इन दोनों सब्जेक्ट पे जो है बढ़िया नंबर ला सकते हैं, 20+ नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना से तैयारी शुरू कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर फिर विशेष जो है धीरे 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 इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, हम थोड़ा सा छुट्टी का वेट कर रहे हैं, उसे मिलने के बाद हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, फिलहाल आप अभी इतना ही करिए, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।